सर्कुलर मोशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सेंट्रिपिटल फोर्स, और ये बहुत ही अहम हिस्सा निभा रही है सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन को हम जानेंगे। तो डेफिनेशन के अनुसार, अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ एंड इज डायरेक्टेड टुवार्ड द सेंटर अराउंड विच द बॉडी इज मूविंग। मतलब ये एक सर्कुलर पाथ में लगती है और ये टुवार्ड्स द सेंटर होती है जब बॉडी मूव कर रही हो। एग्जांपल के हिसाब से अब हम समझते हैं। सपोज करो हमने एक रस्सी ली और वो आर डिस्टेंस की दूरी से पत्थर से बांधी है। हमने उसको जोर जोर से घुमाया तो वो एक सर्कुलर मोशन में घूमेगी। क्या वो मोशन यूनिफॉर्म होगा? जी हाँ, जो उसकी स्पीड होगी वो फिक्स होगी, जो कि मैंने अभी अभी से डिनोट की है। मतलब जब हम पत्थर को रस्सी से घुमाएंगे तो वो जो उसकी स्पीड होगी वो फिक्स होगी। ये तो हमने बात कर दी। और जो इनका एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, आप इस डायग्राम में आसानी से देख सकते हो। अब ये एरोज क्या हैं? न्यूटन के पहले लॉ के अनुसार या तो बॉडी रेस्ट में रहती है और या बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती रहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो यहाँ पर जो ये एरोज हैं ये हैं टेंजेंट्स, और ये टेंजेंट्स अपने आप को मोशन के अनुसार ढाल रहे हैं। अब ये टेंजेंट्स जो कि हैं ये है वेलोसिटी के। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसमें होती है डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड की तो बात हमने कर ली कि इसमें जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंट है, बट डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है हर जगह टेंजेंट के अनुसार। आप टेंजेंट को देखो, देखिए आप जो डायरेक्शन है वो हर एक जगह पर चेंज हो रही है। अब हमने इस एग्जांपल को ध्यान से देखा और कंक्लूड किया कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, मतलब स्पीड कांस्टेंट होती है, जो कि हमने अभी अभी से डिनोट की थी। इस केस में डायरेक्शन चेंज हो रही है जिसके कारण वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। अब यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन, जो कि dv/dt होती है। ये है मैग्नीट्यूड में, वेक्टर में a और अवि के ऊपर वेक्टर आ जाएंगे। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लग रही है वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगी, जो कि सर्कुलर मोशन में होगी, उसको हम ac से डिनोट करते हैं। हमने हाथ से रस्सी को घुमाया और देखा कि जो एक्सेलरेशन है वो हमारे हाथ की ओर लग रही है, मतलब एक्सेलरेशन टुवार्ड्स द सेंटर होती है। एक्सेलरेशन रेडियस की तरफ होती है, जो कि होती है अवि स्क्वायर अपॉन आर, और आर होता है रेडियस, और ये कांस्टेंट नहीं होती है क्योंकि एक्सेलरेशन हर जगह चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पास डायरेक्शन है जो कि हर जगह चेंज हो रही है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। फोर्स जो होती है वो होती है एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि होती है एम, एम को हमने एम लिख दिया और ए था हमारा वी स्क्वायर अपॉन आर, मतलब जो सेंट्रिपिटल फोर्स होती है वो होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये भी कांस्टेंट नहीं होती है क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलो एक बार फिर से जान लेते हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होती है। तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स होती है वो अंदर की ओर लग रही होती है, जो कि हमें मजबूर कर देती है कि हम सर्कुलर मोशन में घूमें। एक फोर्स ठीक उसके बाहर लग रही होती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, वो फोर्स इमेजिनरी होती है, ये फोर्स रियल है, ये फोर्स सच में है जो कि सर्कुलर मोशन में अंदर की ओर लग रही होती है। जो इसकी एक्सेलरेशन होती है वो होती है वी स्क्वायर अपॉन आर, और फोर्स होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।